अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि जिस समय कृपा शंकर पांडे 2019 में कारागार में बंद थे, उस समय का पैसा वर्तमान समय में 2023 में के मिश्रा, अपर जिला कमांडेंट व लिपिक रणधीर बाबू ने किस प्रकार निकाला, किस प्रकार बेईमानी करके कागजों में हेर फेर करके किस प्रकार निकाला, इस संदर्भ में आप पहले तो मैं जन सूचना जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा चैनल ये अग्रणी रहा होमगार्डों के साथ जो अन्याय होता रहा, सरकार और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं संपादक महोदय। और ये पैसा 2019 में आईपीएस ट्रांसफर किए गए थे होमगार्ड विभाग में कि होमगार्ड विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करिए। तो इन्होंने क्या किया, जब वो तीन बार गई ये सब मास्टर रोल मांग रही थी, तो बार बार वो जब लौटे, तीन बार लौटे, तो सबको कहा यदि मास्टर रोल ये नहीं मिले सब तो तुम लोगों को जेल सीधा भेजवा दूंगा, मैं FIR करवा दूंगा। तो इन्होंने धरना भी दिया है, वो मेरे पास साबुत है। और वो समय किया धरा जो भी पैसा निकाला के मिश्रा और रणधीर बाबू, जो 25 साल से लखनऊ खरगापुर में ट्रांसफर हो जाने के बाद आज 25 साल से ये टिका हुआ है, तो ये देखिए ये कानून का कैसे उल्लंघन किया है और किस तरीके से एक IPS को के खिलाफ ये सब धरना दे दिया गया। अभी अभी जल्द में इनकी एसोसिएशन अपना दिखा के फर्जी धरना दिए थे प्रतिभा अम्बेडकर को ट्रांसफर करने के लिए, तो उनको सब मिल करके तत्काल रातों रात इनका ट्रांसफर करवा दे। एक तरफ सरकार भेजती है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और जब ईमानदार अधिकारी उस पर जांच करने बैठ जाते हैं तो उसमें नीचे से लेके मंत्री तक फंस रहे थे, तो इनको रातों रात ट्रांसफर करवा दिया। और अभी ये प्रजेंट पैसा निकाला, 57 होमगार्ड के मास्टर रोल रखे थे उनको पास करा के लिपिक ये रणधीर और ये मास्टर माइंड के मिश्रा 57 लोगों आधे से ज्यादा धमकी देके पैसा निकलवा लिया। और कुछ लोग बचे तो वो कह रहे थे हमको लिखित दीजिए तब मैं पैसा रिटर्न करूंगा, कहका है पैसा, कैसा है पैसा, हम नहीं फंसेंगे। तो वो बात मेरे पास आ गई, मैं मीडिया के द्वारा जन सूचना के जन कल्याणकारी चैनल के तहत मैंने आवाज उठाई, सरकार तक पहुंची, एक्शन में अधिकारी और सरकार आई, इनकी जांच हुई, जो रंगे हाथ पकड़ गए शायद हाई हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय, उससे मुझे कहना चाहिए मुख्यालय का नाम होमगार्ड विभाग बदल करके भ्रष्टाचार विभाग रख देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो इनको रंगे हाथ पकड़ा और वो पैसा शायद ऐसी सूचना है 4-5 लाख रुपया वहां जमा करवाया गया है, सरकार के खजाने से निकाले थे बेईमानी करके, वहां जमा करा लिया गया है। और इनके खिलाफ सिर्फ इनको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, फिर भी इनको बराबर बैठ रहे हैं वहां कार्यालय में। तो अपने साक्ष मिटाने के लिए पूरा सा ये भ्रष्टाचार के लोग मिलकर उनको निलंबित किए हैं, उनको समय दे रहा साक्ष खत्म करने के लिए, ये देखे। और जांच उनको दी गई विभाग, जिनकी जांच अधिकारियों के खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको जांच दी गई। यदि कहा जाए कि CR को फल का रखवाला बना दिया जाए तो क्या एक फल मिलने की उम्मीद करते हैं? नहीं, कतई नहीं है। आप भी जान रहे हैं इनको, जिनको बेईमानों को ये जांच दी गई है इनको साफ बरी कर देंगे, साफ दिखा देंगे, साफ सुथरा, और ये 2-4 महीने बाद फिर बैठ जाएंगे वही ये भ्रष्टाचारी। आज देखिए लिपिक 25 साल से यही लखनऊ में है, जबकि शासनादेश है एक जिले में 3 साल और जिले में 5 साल वो रह सकता है, और उसके बाद उसका अन्य जिले में ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर होने के बाद आज 25 साल से रुका हुआ है, और के मिश्रा 10-15 साल हो गई ये भी रुके हुए हैं। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार, जीरो टैलेंस और की बात सरकार करती है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करके और नारियों का उत्पीड़न खत्म करके, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब खत्म करके उत्तम प्रदेश हम बना देंगे। तो देखिए यही उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश, कहीं से क्या भ्रष्टाचार कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसके लिए
बहुत हो गया, मैं मांग करता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल FIR करनी चाहिए था, FIR करवा के उनको जेल भेजना चाहिए था, वही जाना चाहिए था के मिश्रा और लिपिक को, और पूरा उठा के डाल दिया कृपा शंकर पर। कृपा शंकर बीओ जो अभी आत्महत्या भी कर लिया, इन्हीं की देन है जो आज आत्महत्या साफ सुथरा बीओ उसके ऊपर इल्जाम में लगा दिया, उसको जेल जाना पड़ा, एक कंपनी कमांडर को जाना पड़ा। वैसे अभी देखिए जब आइडेंट होने लगे शासन में, जब ये पकड़े गए तो उसमें सुरेश सिंह बीओ आ गए लपेट में, उन्होंने 33 जवानों का शासन में चल रहे, वही तारीख वही डेट एक ही दिन वहां, और नगर निगम अन्य संस्थानों में अनुबंध भी बना लिया और फर्जी आईडी बना लिया होमगार्ड जवानों की, और ये 3 साल से पैसा बराबर उनका सबका, और अपने पास ATM रखे थे, उनको ब्लॉक निकलवा लेते थे, उनका जो भी देते हो होमगार्डों को जो भी तय हो अपना देते लेते रहे, ये 3 साल से छिपा रहा। जब आईडी होने लगे शासन पर मास्टर रोल, तो ये पकड़ में 2 जगह आ गए। तो ये अतुल कुमार कमांडेंट जो थे इन्होंने पास किया, जब एक जगह ड्यूटी लगी है शासन में तो वही समय वही टाइम, तो फिर वो मास्टर रोल इन्होंने कैसे पास कर दिया, नहीं के पास करने से पैसा 3 साल से निकलता रहा। इसमें सबसे बड़ा दोषी कमांडेंट अतुल कुमार सिंह जो यहां से तत्काल ट्रांसफर करवा बुलंदशहर चले गए हैं, इनके खिलाफ एसोसिएशन मांग करती है, सबसे बड़े दोषी हैं इनको, कमांडेंट को और इस लिपिक को, अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा को, इनके खिलाफ तत्काल FIR लिखी जाए और इनको जेल भेजा जाए, जैसे सुरेश के खिलाफ बीओ के लिखी गई है। हम ये पुराने कानून है, कानून कहते एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। अभी माननीय प्रधानमंत्री स्टेटमेंट TV पर हम देख रहे थे कि एक घर में अगर 2 कानून हो जाएंगे तो वो घर सत्यनाश हो जाएगा। जिस घर में एक कानून एक नियम होगा वही घर सक्सेस होगा, और 2 कानून चलेंगे तो अंग्रेजों को बनाया कानून, आज ये सब बैतनी आज बैतनी मजा मार रहा, होमगार्ड की गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे, और होमगार्ड बेचारे तबाह हैं, भ्रष्टाचार लूट घसोट, आइए जो अपना उनको अधिकार नहीं दिया गया, यदि अपनी बाल लूटे जाते हैं, यदि वो बात उभार दें कह दें तो तत्काल उनको कारण बताओ नोटिस दे दी, इतना दबा कर रखे हैं। ये कानून खत्म होना चाहिए और होमगार्डों को पावर भी देना चाहिए, जहां से लूट घसोट, जैसे जसवीर सिंह साहब IPS उन्होंने भी इसका पूरा खोल दिया था, यहाँ लेके पूरे प्रदेश के कमांडेंट बीओ यहाँ तक चपरा से नहीं बचा था, और लेके नीचे से लेके और मंत्री साहब फंस रहे थे, उनको तत्काल जो है सस्पेंड करके निलंबित करके घर बैठा दिया, और ये धरना भी दिए हैं, जबकि इनकी ये सूचना ने भी जन सूचना आयोग अध्यक्ष महोदय माननी अभी इनके पर 25,000 का जुर्माना किए हैं, और इनके कहीं से NGO नहीं, कहीं से नहीं, जब पुलिस वाले खारिज हो गए एसोसिएशन लिए हाईकोर्ट, तो ये भी तो वर्दीधारी और राज कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ये कैसे धरना देके और गिरिराज सिंह गाजियाबाद को और इनको KK मिश्रा लिपिक को बचाया, यदि कहा ये 17 थाने में गाजियाबाद गिरिराज सिंह के खिलाफ 17 थाने घोटाला बहुत लंबा करोड़ों के हिसाब से 17 थाने में FIR, तो इन्होंने रिलेटिव मेटम दे दिया, ये जानबूझ पुलिस फंसा रही, पुलिस क्यों फंसा देगी, ये उल्टा धरना दे दिए, सरकार को अल्टीमेटम दिए, यदि नहीं गिरफ्तारी का आदेश करेंगे, और पुलिस के खिलाफ ऊपर लिखा कि इनके ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये देखिए मजे की बात। और उधर अनिल अपर जिला अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश अनिल कुमार जी, इधर साथ घात जागते रहो और चोर घात चोरी करो, ये काम किए, इधर धरना दरवा दिए और उधर ये अल्टीमेटम दवा दिए, सरकार तक खबर इनकी मान ली गई और वो गिरिराज साफ बच गया। आज भी जांच कर ली जाए 17 थाने में FIR गिरिराज सिंह कमांडेंट के खिलाफ दर्ज है, बड़े ऊंचा कई करोड़ का घोटाला है, जिसमें नोएडा से शिव नारायण मंडली कमांडेंट BO बाबू और कंपनी कमांडर और ये 2 होमगार्ड ये सब जेल भेजे गए थे इसी घोटाला में, इन उसी साथ इनको जाना था, तो उसमें जो
दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ऐसे भ्रष्टाचारियों के गुरु रंजीत सिंह डीआईजी पूर्व जो लखनऊ हेडक्वार्टर पे थे, इनकी अगर जांच कर ली जाए, 8-8 मकान इनके गोमती नगर में हैं, इनकी बीबी के 6 नाम हैं, 6 मकान, 2 नाम इनके, इनकी बीबी किसी की बन गई बीबी तो किसी की बन गई लड़की तो किसी की कुछ बन गई, वो मैं नगर निगम से निकाल के 8 मकान का मैंने दाखिल किया है जिस पे विजिलेंस जांच बैठी है। अब विजिलेंस देख रहा हूँ कितनी धीमी जांच कर रहे हैं, यदि नहीं तो मैं हाईकोर्ट की चौखट कानून का चौखट पर जाऊंगा और न्याय मिलेगा और दोषियों को जरूर सजा। इनकी संपत्ति देख लीजिए, कितने करोड़ रुपए बैंक बैलेंस, शोरूम है, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं और फैजाबाद पे तमाम जमीन है, हरदोई रोड कुंज बिहार में इनकी जमीन है और रेस्टोरेंट है। और देखे जो इनकी ईमानदारी संपत्ति जो आपको संपत्ति बताएं तो इन्होंने सरकार से छिपाया, इनकम टैक्स से बचते रहे, तो वो चोरी की लूट घसूट की है, तो ऐसे जांच करके ऐसे अधिकारी को तत्काल जेल डाल देना चाहिए। और यदि नहीं देख रहा हूं, नहीं तो मैं हाईकोर्ट की शरण लूंगा और दोषियों के खिलाफ मैंने कस संकल्प लिया है, मेरे पर पूरा प्रदेश निगाहें लगाए हैं और मुझसे विश्वास है, मैंने वेतन बढ़ावाया सब किया, यहाँ से लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं और उसका पूरा पैसा फिर नहीं, कानून का उल्लंघन मजदूर का दे दिया, फिर मैं हाई कोर्ट जिसकी पटिशन संख्या 5580/2021 और फाइनल स्टेज पर लगा है, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, मैंने संकल्प लिया है, मैं सच का पुजारी हूँ और सच को मैं पूजता हूँ और सच्चाई को स्थान और स्थान देता हूँ, सम्मान भी करता हूँ और बेईमानों और लुटेरों को मेरा भाई क्यों ना हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मंत्री साहब के देखिए मेरे होमगार्ड जाते हैं तो उनको डांट देते हैं कि नेता नहीं, तो देखिए पहले स्टेज पर माननीय मंत्री जी हमारे इतने ईमानदार हैं कि होमगार्ड को डांट देते हैं, तो जो दहेज का लोभ ही हो वो हमारा लोगों को खा लेगा। और देखिए अभी पूर्व मंत्री अनिल राजभर जलकुंभी और काई हटाने की देवी देवताओं को नहीं छोड़े, पैसा खा लिए, और ये मंत्री पेड़ लगवाने में पैसा खा लिए, खजाना खाली कर दे रहे हैं। इनसे गणना मांग ली जाए प्रदेश में जितने पेड़ लगाए कितने जिंदा हैं और कितने नहीं हैं, ये बताएं कहां कहां उनके लिए बैठाला इनकी निगरानी करने के लिए कि कोई चल ना पाए, पेड़ अच्छे पैदा हो, ये वो एक नहीं बचा है। मैं जैसा बता रहा हूं ये सिर्फ पैसा लेना था, वो गरीब के सरकार के खजाने से पैसा ले लिया, तो ये पूरी तरीके से सरकार के खजाना को लूट रहे होमगार्ड और आगे सरकार तक बैठे अधिकारी। इसीलिए मैं कोई भी लिखित देता हूं, क्योंकि लागन गाय इनकी है, ये उनको नहीं भगा सकते, यदि जांच कर लेंगे तो इनकी इनकम जो 80-90 करोड़ की है महीने की वो बंद हो जाएगी, ये रोड पे आ जाएंगे, इनके बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं वो सब यही आ जाएंगे उत्तर प्रदेश या इंडिया में पढ़ाई शुरू करेंगे, ये हमारे होमगार्ड गाड़ी कमाई से अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं और एसी में बैठ के मलाई छान रहे हैं, और होमगार्ड अगर उनके साथ अन्याय हो रहा अपनी जबान खोल दे, तत्काल उनको नोटिस दिया जाए। तो ये देखे उत्तम प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम यही सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, ये सर ये इनके नहीं है, ये पैसे के है अधिकारी और जो भी इस विभाग के मेन लोग हैं वो सब ये ऐसा करवा रहे हैं। और होमगार्ड बीच जब तक ये आवेतनिक वैतनिक की खाही नहीं बराबर होगी तब तक होमगार्डों का या पावर दिया जाए सरकार तो ये थोड़ा रुकेगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ इस विभाग का नाम बदल के भ्रष्टाचार विभाग रख दिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय जवान जय किसान।